स्टार्ट। अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में कल तक आइगन वैल्यू पे फोकस किया था, आइगन वैल्यू पे अपन ने फोकस किया था। आज अपन जिन क्वेश्चंस का आइगन वैल्यू फाइंड किया है उन्हीं क्वेश्चंस की आज अपन आइगन वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। कल एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व भी किया था लेकिन उसमें वीडियो बार बार अप डाउन हो रहा था, ब्लर हो रहा था, इसलिए अपन ने उसको ज्यादा वो नहीं किया। इसलिए आज से अपन फिर उसमें उस क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं तो अपन उस पर पहले फोकस करें। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द क्वेश्चन, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 5, 4, 1, 2। फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस। इस क्वेश्चन की हमने आइगन वैल्यू निकाल चुके हैं, निकाली कि नहीं अपन लोगों ने आइगन वैल्यू, पूरी आइगन वैल्यू अपन लोग निकाल चुके हैं। अब केवल इसके आइगन वेक्टर पे अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, पहले इसका इनिशियल पार्ट अपन लिख लें। सॉल्यूशन, वी हैव ए इज इक्वल टू 5, 4, 1, 2, आई इज इक्वल टू 1, 0, 0, 1 और लैम्डा आई इज इक्वल टू लैम्डा 0, 0 लैम्डा। ये हमारे पास में क्वेश्चन का जो इनिशियल पार्ट था वो। अब हम इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 और 6। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा चुका हूं पूरा, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो लैम्डा की 1 और 6 आएगी। तो जितनी आइगन वैल्यू होगी उतने ही हमको आइगन वेक्टर मिलेंगे। अब अपने को आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करना है वो देखिए। फॉर फर्स्ट आइगन वेक्टर, तो आइगन वेक्टर अपन पहला आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं ये देखें पहले। ठीक है, ठीक है, अब अपन इसमें कैसे लेट फर्स्ट आइगन वेक्टर लेट x1 इज इक्वल टू, अब अपने को x1 इसमें क्या सपोज करना है, ये कितने बाई कितने का है, 2 बाई 2 का। इसका मतलब दो इसमें वेरिएबल होंगे। यदि 3 बाई 3 का होगा तो कितने वेरिएबल होंगे, 3 वेरिएबल। लेट x1 x2 bn आइगन वेक्टर फॉर द corresponding eigenvalue lambda 1 equal to 6। then हमने पहली eigenvalue ये ले ली, आप इसको भी ले सकते हो, किसी को भी हम ले सकते हैं। हमारे पास तीन आई, उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता, ये नंबर 1 की है, नंबर 2 की है, नंबर 3 की। हम तीन में से किसी भी एक को अपन eigenvalue सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। देन a माइनस लैम्डा 1 i x1 इक्वल टू 0। दिस एक स्टेप चाहे और इसमें मेंशन कर दो, a माइनस लैम्डा 1, लैम्डा 1 मतलब कितना 6i x1 इक्वल टू 0। दिस a मतलब 5, 4, 1, 2 माइनस 6, 0, 0, 6
आपको मालूम है ये i की वैल्यू है और i में कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 का। अब यदि एक स्टेप बीच में लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट इतना डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और x1 कितना है, x1 x2 दिस इक्वल टू 0 0 ठीक। अब हम इसको पहले माइनस कर लें तो ये कितना होगा, -1 4, इसको माइनस किया तो 1 -4, x1 x2 0 0 ठीक है। अब देखिएगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जितने भी हमने आइगन वैल्यू निकालना सीखा है सभी में आइगन वैल्यू में हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई किया है, तो आइगन वेक्टर में भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करेंगे ठीक है। तो हम इस वाली रो से इसको जीरो कर सकते हैं, तो ऑन अप्लाइंग R2 को चेंज करना R2 प्लस R1 से, दिस शुड बी 0 0 x1 x2 0 0 दिस शुड बी माइनस x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0, इसकी रो और इसका कॉलम। अब देखिए अपने पास वेरिएबल दो है तो दो इक्वेशन मिलना था, क्योंकि वेरिएबल दो है तो दो इक्वेशन मिलना था, नहीं मिली एक इक्वेशन मिली, तो इसका मतलब होता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसको सॉल्व करना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, लेट इन दोनों में से किसी भी एक को के मान ले, एनी इंटीजर। सर क्लियर नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, सर क्लियर नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। आपके यहाँ पे हो क्यों दिनेश, प्रभाकर वीडियो क्लियर नहीं है क्या, प्रभाकर नहीं है सर, हमें नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, अपन इसका वीडियो अपन शेयर कर देंगे ठीक। x2 is equal to k, तो minus x1 plus 4k equal to 0, माइनस एक्स वन इक्वल टू माइनस फोर के, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स वन इक्वल टू फोर के, ये एक्स वन की वैल्यू है। अब हमारे पास एक्स वन फोर के आ गया और एक्स टू हमने मान लिया। एनी इंटीजर का मतलब क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, प्लस से लेके माइनस तक की टर्म, प्लस वन से माइनस वन के इनफाइनाइट टर्म तक। तो अब हमारे पास देयरफॉर x1 is equal to, first आइगन वेक्टर आपने ये लिया, x1 आपके पास 4k और x2 आपके पास कितना आया, k। ये पहला आइगन वेक्टर, नोट करते चलो जल्दी से, कर लिया कल, करा दिया था कल ये, इतना करा दिया था। अब हमें इसके बाद इसका सेकंड आइगन वेक्टर निकालना है, कौन सा निकालना है, सेकंड आइगन वेक्टर किसके लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए। अब जब सेकंड आइगन वेक्टर की बात करोगे तो मैं यहां पे इसको रफ करता हूं ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आइगन वेक्टर निकल आया। अब हमारा दूसरा आइगन वेक्टर, हम इसको ये फर्स्ट आइगन वेक्टर को कहीं अलग से लिख दें, 4k और k, ये हमने जो पहला वाला आइगन वेक्टर निकाला, अब कौन से नंबर का निकालना है, सेकंड नंबर का आइगन वेक्टर निकालना। तो सेकंड नंबर के आइगन वेक्टर में क्या होगा, फॉर सेकंड आइगन वेक्टर यहाँ पे क्या है, x2 बी एन आइगन वेक्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। देन अब यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर लैम्डा 2 की वैल्यू 1, 1 इंटू आई कितना हो जाएगा, वही का वही आएगा, और यहाँ पर x2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 ठीक है। अब इसको माइनस करोगे तो 5 - 1 4, दिस इज आल्सो 4, दिस इज 1 और दिस इज आल्सो 1। अब देखिए आप लोग बहुत ध्यान से, ये 4 4 1 1, सेकंड रो आसानी से जीरो हो सकती है, कैसे, R2 को चेंज करना, R2 में 4 का मल्टीप्लाई करो और R1 को क्या कर दो, माइनस कर दो, आसानी से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। तो दिस शुड बी 4 4
जीरो जीरो, ठीक। अब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा बेटा, 4x1 + 4x2। दिस एक्स टू, देखो अब यहाँ पे अपन ने k मान चुके थे तो फिर से k नहीं मानना, अब उसके आगे की तरफ तो लेट x2 इज इक्वल टू कितना ले लो k। आप इसको x1 भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं मैंने x2 लिया तो आप भी x2 ही लें। आप कितना ले सकते हो, x1 भी ले सकते हो, तो आपको काय की वैल्यू मिलेगी, फिर x2 की वैल्यू मिलेगी। तो x2 इज इक्वल टू k1, तो दिस इज 4x1, यहाँ पे 4k1। अब इसके बाद में माइनस का प्लस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4k1, माइनस तो एज इट इज रहेगा, 4 से 4 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का k1। देयरफॉर x2 इज इक्वल टू माइनस k1 और प्लस का k1 आया कि नहीं आया, आया? तो ये हमारे पास भी सॉल्यूशन हो गया, ठीक, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ना। अब हमें ये वाली टर्म पूरी की पूरी हो गई आपके पास में, ठीक है ना, किसी को इसमें कोई इश्यू है क्या? तो ये हमारे पास में सेकंड आइगन वेक्टर, तो अपने को आइगन वेक्टर ऐसे फॉलो करना है, ठीक है, नोट करो जल्दी से इसको। अभिषेक के बाद कौन है इसमें, अनुराग मेहरा है, और कौन आया बेटा इसमें, गजेंद्र, गजेंद्र के बाद और कौन है, कौन संजय कौशिक फिर इसके बाद कौन है, मिले अपने आपको करके रखें प्लीज, जिसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है म्यूट कर लें। अगला कौन बेटा उसमें, विनय सैनी भी, विनय, फिर इसके बाद कौन है, राशि प्रजापति, फिर और कौन बेटा, रमेश सिंह रावत, और कौन बेटा इसमें, चार। अब हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये पहला क्वेश्चन था, अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। एक जने कोई भी अटेंडेंस लेके मेरे को सेंड कर देना, यस सर, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स A is equal to, of the matrix A is equal to 3 1 4 0 2 6 0 0 5 0 0 5, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, गिवन दैट A इज इक्वल टू 3 1 4 0 2 6 0 0 5, I इज इक्वल टू
100010001 लैम्डा आई इज इक्वल टू लैम्डा 00 0 लैम्डा 0 0 लैम्डा और हमने इसकी लैम्डा की वैल्यू कितनी निकाली थी, इसको सॉल्व किया था आइगन वैल्यू 235 निकाली थी। आप लोग चेक करें इसकी, हमने इसकी आइगन वैल्यू 235 को निकाला था जी। सेकंड क्वेश्चन था ये, हाँ सेकंड क्वेश्चन ही, इसकी आइगन वैल्यू हमने 235 को सर्च किया था ना। अब हम पहला आइगन वेक्टर इसके थ्रू निकालते हैं, तो फर्स्ट आइगन वेक्टर हम कौन से आइगन वेक्टर की तरफ चलते हैं, और फर्स्ट आइगन वेक्टर पर फर्स्ट आइगन वेक्टर क्या होगा, लेट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बी एन आइगन वेक्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज लैम्डा वन। पहली आइगन वैल्यू क्या होगी, टू लिखे लैम्डा वन इक्वल टू टू, देन लैम्डा वन a माइनस लैम्डा वन आई एक्स वन इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा वन आपके पास कितना है इसमें, टू लैम्डा वन इज इक्वल टू टू इंटू एक्स वन, दिस शुड बी a कितना है आपके पास, a इक्वल टू थ्री वन फोर 026 माइनस 200020002 एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री 000 1, this is 0, this is 0, this is 6, 0, 0, and 3. यहाँ पे x1, x2, x3, 0, 0, 0. अब आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर चेक करो, ये 0 हो सकता है कि नहीं 0? 2 का मल्टीप्लाई कर, किसको 0 कर देंगे, कौन 0 से, इसको? या फिर R2 और R3 को डिवाइड कर दो 6 और 3 से, तो वो 1-1 हो जाएंगे और आसान हो जाएगा। कर दूं क्या पहले ऐसा, R2 को 3 से डिवाइड किया, ओ सॉरी 6 से, और R3 को 3 से डिवाइड किया, तो ये आपके पास आएगा 1140001001। ये आपके पास आएगा x1 x2 x3 0 0 0। अब इसके बाद यहां पर आप लोग देखिए कौन सी टर्म 0 हो सकती है, r1 को चेंज करना, r1 माइनस 4 r2, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके इसको 0 कर सकते, क्यों, क्योंकि ये दोनों 0 ये इफेक्टिव नहीं होंगे, इस वक्त से ये 0 हो जाएगा। R3 को चेंज करना R3 माइनस R2 से, तो R2 से ये दोनों को चेंज कर दो, तो दिस शुड बी 1100001000। और यहां पे x1 x2 x3 दिस इक्वल टू 000, तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये रो हो जाएगा और ये कॉलम, x1 plus x2 equal to 0 और x3 equal to 0, x3 is equal to 0, क्लास में हूं।
क्लासरूम क्लासरूम दिस एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स थ्री तो ऑलरेडी जीरो आ गए। अब इन दोनों में से किसी एक को अपने को क्या करना पड़ेगा, लेट एक्स टू इज इक्वल टू के, एनी इंटीजर, पहला इंटीजर मान रहे हैं इसलिए इसमें के आ गया, तो एक्स वन आपके पास कितना आएगा माइनस के, देयरफॉर एक्स वन इज इक्वल टू माइनस के और जीरो, एक्स थ्री तो जीरो ही मिल गया इसलिए हमें उसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं। नोट करो जल्दी से, ये इसका अपन ने इसमें किया तो ये वाला इक्वेशन, जब इस वाले का इसमें करोगे तो ये दोनों तो जीरो, एक्स थ्री इक्वल टू जीरो। नोट करो जल्दी से प्लीज आप लोग भी, ठीक है। अब हम सेकंड आइगन वेक्टर की बात करते हैं, अभी हमने कौन सा निकाला, फर्स्ट आइगन वेक्टर, नोट कर लिया सबने, कर लिया तुम लोगों ने, आप लोगों ने कर लिया नोट, यस और नो, नीतेश पवार कर लिया आप लोगों ने नोट, अब इसके बाद में सेकंड आइगन वेक्टर पे चलते हैं, ये फर्स्ट आइगन वेक्टर था, अब इसके बाद फॉर सेकंड आइगन वेक्टर, अब सेकंड आइगन वेक्टर की बात करेंगे तो दिस इज एक्स टू, दिस इज एक्स टू, एक्स टू अपन ने ये माना और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू अपन ने कितनी ले ली, थ्री ले ली, लैम्डा टू इक्वल टू अब थ्री, अभी टू लिया था अब थ्री ले लिया, तो यहां पर भी टू आएगा, यहां पर भी टू और यहां पे क्या आएगा थ्री, अब इसके बाद ये थ्री, ये थ्री, ये थ्री, अब हमें इसको सॉल्व करना, थ्री माइनस थ्री जीरो, वन माइनस जीरो वन फोर, जीरो टू माइनस थ्री माइनस वन सिक्स, माइनस जीरो सिक्स, जीरो जीरो फाइव माइनस थ्री टू, ये आपके पास आ गया। अब इस टू से आप इसको भी जीरो कर सकते हो और इसी टू से आप इस फोर को भी जीरो कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं, ये वाले टू से आपको क्या एप्लीकेशन क्या लगानी पड़ेगी, क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, आर वन को चेंज करना, आर वन माइनस टू आर थ्री से, और इसको भी जीरो कर सकते हैं तो R2 को चेंज करना R2 माइनस थ्री आर, जब इसको जीरो करेंगे तो दिस शुड बी जीरो वन जीरो, जीरो माइनस वन जीरो, जीरो जीरो टू, अभी इसमें एक टर्म और जीरो हो सकती है, हो सकती है कि नहीं बताइए, इस वाले से इसको जीरो कर दो या इससे इसको जीरो, ठीक। अब हम अगली टर्म को इस पे अप्लाई करते हैं तो क्या होगा बेटा, नेक्स्ट टर्म को जब अप्लाई करेंगे तो दिस शुड बी आर वन, आर टू को चेंज करना आर टू प्लस आर वन से, तो दिस इज जीरो वन जीरो, जीरो 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 एंड जीरो जीरो टू, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ये जो आपने एक्स वन निकाला है मैं इसको यहाँ अलग से लिख दे रहा हूँ, माइनस के के और जीरो, अब आप लोग ध्यान से देखिए इसका मल्टीप्लाई करें तो
तो पहली वाली रो में दिस इक्वल टू 0 0 0, पहली वाली रो में एक टर्म है तो यहां पे केवल x2 आएगा, x इक्वल टू कितना आएगा 0, दूसरे में सब 0 तो लिखने से कोई मतलब नहीं, तीसरे में केवल है 2, तो 2x3 इक्वल टू 0, तो x3 इक्वल टू कितना है, ये भी 0, लेकिन इसमें आपको x1 मिला क्या, x1 मिला नहीं मिला, और उसके मिलने की चांसेस भी नहीं, जब नहीं है तो उसको अपन क्या करेंगे, let x1 equal to k1, k तक अपन ले चुके थे, तो k1 any integer, बस इसको ये सपोज करो, therefore x2 is equal to k1 0 0, ये आपका क्या है, x2 आइगन वेक्टर, तो this is ये पहला वाला है, और ये कौन सा है, दूसरा वाला, k1 0, नोट करो इसको, प्लीज नोट डाउन, तीसरा आइगन वेक्टर आप लोग निकाल सकते हो इसका, निकाल सकते हो, आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, आप लोग निकाल सकते हो तीसरा आइगन वेक्टर, यस आर नो, गुनीराम, दिनेश, निकाल सकते हो तीसरा वाला आइगन वेक्टर, बहुत सिंपल है, तीसरा आइगन वेक्टर कैसे निकलेगा, अब लैम्डा 3 की वैल्यू क्या लेना होगा आपको, 5 लेनी होगी, लैम्डा 3 की वैल्यू 5 लेनी होगी और अपन उसको पुट कर देंगे, ठीक है, मैं इसका तीसरा आइगन वेक्टर और आपको निकाल के बताता हूं, फॉर थर्ड आइगन वेक्टर यहां पे क्या लिखते हैं अपन, फॉर थर्ड आइगन वेक्टर, तो अब लैम्डा 3 इक्वल टू कितना होगा बेटा, 5, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर 5 और यहां पे 3, यहां पे बेटा 5, यहां पे 5 और यहां पर भी 5 आ गया, ठीक है, अब इसको अपन माइनस करते हैं तो क्या माइनस आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2 1 4, ये 0 माइनस 3 6, फिर इसके बाद 0 0, ये पूरा 0 हो गया, पूरा 0, अब आप इससे देखिए ध्यान से, आप इसको 3 से डिवाइड कर दो, कौन से वाले को, सेकंड को, R2 को 3 से डिवाइड कर दो, तो हमें थोड़ा सा आसान होगा, माइनस 2 1 4 0 माइनस 1 2 0 0 0 और ये आ गया x1 x2 x3, दिस शुड बी 0 0 0, अब आप लोग ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद हम इस वाले से इसको जीरो कर दो, R1 को चेंज करना R1 प्लस R2 से, दिस इज ये जीरो प्लस करोगे तो ये कितना आएगा बेटा 6, 0 1 माइनस का 2 0 0 0 और यहां पे आएगा x1 x2 x3, दिस इज 0 0 0, अब आपको सॉल्व करना है माइनस 2x1 प्लस 6x3 इक्वल टू 0 और माइनस का x2 प्लस का x3 इक्वल टू 0, अब हमने k1 तक ले चुके हैं 2x3, ठीक है, k1 तक हम ले चुके हैं, इन दोनों में से लेट x3 इक्वल टू k2 एनी इंटीजर, तो x2 तो माइनस x2 इक्वल टू माइनस 2k, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x2 इक्वल टू कितना आ गया 2k, अब x2 2k2 है और x3 k2 है, तो अपन इसको यहां पुट कर दें, तो एंड माइनस 2x1 प्लस 6k2 इक्वल टू 0,
तो माइनस टू एक्स वन इक्वल टू माइनस सिक्स के टू, माइनस से माइनस कैंसिल तो एक्स वन इक्वल टू थ्री, तो एक्स थ्री कितना आ जाएगा आपके पास में, एक्स थ्री इज इक्वल टू थ्री के टू, टू के टू और ओनली के टू, ये आपके आइगन वेक्टर निकल के सामने आ जाएंगे। तो जितनी आइगन वैल्यूज होंगी उसके करस्पॉन्डिंग उतने ही आइगन वैल्यूज आपको, सॉरी आइगन वेक्टर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी आइगन वैल्यूज थी जो आपके सामने मैंने तीन निकाली थी, उन तीन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग तीन आइगन वेक्टर निकाल दी। अब ध्यान से सुनो सभी लोग, इसके बाद जो आइगन वैल्यू मैंने दो क्वेश्चन और कराए हैं, इसके बाद फिर उसके बाद दो और कराए, ऐसे मैंने छह सात क्वेश्चन आइगन वैल्यू के कराए हैं। तो जो आखिरी के दो क्वेश्चन थे उनको छोड़ना, उनको कल अपन आइगन वेक्टर निकालेंगे। आज आपको होमवर्क क्या है, आज आपके लिए होमवर्क ये है कि इसके बाद के जो दो आइगन वैल्यू और निकलवाई थी उनको आपको सॉल्व करना है, और जो दो टफ वाले आइगन वैल्यूज मैंने निकलवाई थी वो मैं निकलवा के आपको बताऊंगा। आज के लिए आपके पास इतना होमवर्क है, ठीक है ना। आज बहुत ध्यान से करिएगा ये काम को, ठीक। बाकी एक आध क्वेश्चन कर डालो, एक आध आइगन वैल्यू का आइगन वेक्टर आप लोग भी निकालो सब लोग। हाँ क्या बेटा,